दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, अपने लिस्टिंग के बाद से इसने क्या बेहतरीन पैटर्न बनाते हुए बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। और ये इसका वीकली चार्ट है और अपने वीकली चार्ट पर ये भी है, काफी महीनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और आज इसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी तेजी देखी गई है और इसी के साथ ही अपर रेंज में ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो दोस्तों इसके टारगेट के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, 870 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 8.5% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 84,605 करोड़ का है, स्टॉक पीस 80 का है, थोड़ा ज्यादा है। ROC की वैल्यू 16% एंड ROE की वैल्यू 13.4% की है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 508 का लो है और 910 रुपए का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो मैक्स हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करती है। इसमें आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं और रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड और भी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, आप देखेंगे 2020 से 2024 तक में इसने लगभग 100 रुपए के आसपास से 800 रुपए तक की तेजी दिखाई है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने 780% का CAGR दिखाया है। वहीं इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 10 times वो कोई ऊपर ट्रेड कर रहा है और ROE इसका पिछले 3 सालों में घटा है एंड प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग भी काफी कम कर ली है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका अपोलो हॉस्पिटल्स हुआ, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, नारायणा हृदयालय, डॉक्टर लाल पैथ एंड एस्टेडियम हेल्थ जैसी कंपनियां हैं जो कि हॉस्पिटल सेक्टर में काफी बेहतरीन काम कर रही हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 802 करोड़ का था, मार्च 2022 में 937 करोड़, मार्च 2023 में 1215 करोड़ और मार्च 2024 में 1423 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 70 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 124 करोड़, मार्च 2023 में 251 करोड़ और मार्च 2024 में 252 करोड़ का रहा। साथ ही इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2017 में 1608 करोड़, मार्च 2020 में 1059 करोड़, मार्च 2024 में 5406 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2017 में 16 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 59 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 1058 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में 46% की रेट से और पिछले 1 साल में 39% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2017 में 874 करोड़ का लोन था, मार्च 2020 में 875 करोड़ और मार्च 2024 में 1299 करोड़ का टोटल लोन है। जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करें तो जहां 3146 करोड़ का असेट था मार्च 2017 में, मार्च 2020 में 3974 करोड़ और मार्च 2024 में अभी 12000 का इसके पास असेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो 1299 करोड़ का है जो कि मॉडरेट है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 70.46% थी, वहां से मार्च 2024 में सिर्फ और सिर्फ 23.75% की रह गई है, यानी कि प्रमोटर्स ने बहुत धड़ल्ले से माल बेचा है। FIIs की बात करें तो 14.05% से बढ़कर 57.33% की हो गई, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेक इस समय FIIs की हो गई है। DIIs की बात करें तो 7.95% से बढ़कर 14.96% एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक ने भी पोजीशन कम कर दिया है, 7.54% से घटाकर 3.97% कर लिया है। कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उन्होंने कोई भी शेयर अपना प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है, रेवेन्यू भी इनका लगातार बढ़ रहा है, कैपेक्स वर्सेस ROC इनका पॉजिटिव है, ROE पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और कंपनी का जो डेट है वो भी मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने अब पिछले 90 दिनों में कोई भी माल बेचा नहीं है, लेकिन इसके ROCE की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, इसका मार्जिन भी काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो तो कम हो रही है जो कि ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स की भी होल्डिंग कम हो चुकी है तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है रेवेन्यू फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज मोर देन 97% एंड सेल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल मोर देन 2.4%। वहीं पर अगर हम इनके बिजनेस की एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको न्यूरो साइंस 9.5%, कार्डियक साइंसेस 12.9%, ऑन्कोलॉजी अराउंड 24%, आर्थ्रो अराउंड 9.4%, रीनल 8.9%, इंटरनल मेडिसिन 7.5%, ओटी एंड पीडियाट्रिक्स 5.9% एंड मास एंड सर्जरी 4.9%। लोकेशन वाइज बात करें तो दिल्ली में इनका सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स है मोर देन 63%, उत्तर प्रदेश में 12.3%, महाराष्ट्र 9.7%, पंजाब 7.3% एंड उत्तराखंड 4.1%। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो जो कस्टमर सेल्फ पे करते हैं उनका 33%,
इंस्टीट्यूशनल अराउंड 17.7%, इंटरनेशनल 8.9% एंड TPA एंड कॉर्पोरेट्स अराउंड 39.5%। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। अपने IPO के बाद देखेंगे इसमें काफी बंपर तेजी देखने को मिली और ये तेजी अभी भी लगातार बरकरार है और अब इसमें एक नया पैटर्न बनने को तैयार है। इसमें काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेडिंग चल रही थी लेकिन अब ये अपने रेंज से बाहर निकलने को तैयार है। तो अगर ये अपने रेंज से बाहर निकलता है और सक्सेसफुल ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहला टारगेट हमें 1000 का लेवल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये जल्दी 1400 वाले लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों कंपनी ठीक ठाक है लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।